शेख सादी और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सादी ने अपने बेटे को जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही, अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता। एक मुसव्विर को कहा गया कि वो दिल के दरवाज़े की तस्वीर बनाए। उसने बहुत हसीन दिल बनाया और उसमें खूबसूरत सा एक दरवाज़ा भी बनाया, लेकिन उसका हैंडल नहीं था। किसी ने पूछा कि इसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया। उस पर उस मुसव्विर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि दिल के दरवाज़े अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि सरे बाज़ार चलते हुए किसी ने मेरे टखने पर डंडे से चोट लगाई। दर्द और गज़ब की कैफियत में पलट कर जो मारने वाले को देखा तो एक नाबीना अपने डंडे से रास्ता टटोल रहा था। गुस्से की कैफियत झट से शफकत और तर्स में बदल गई और मैंने उस नाबीना का हाथ पकड़ लिया और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा कर आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान का नुक्ते नज़र तब्दील होता है तो जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। हमें आज एक दूसरे के बारे में नुक्ते नज़र तब्दील करने की ज़रूरत है। जज्बात खुद ही तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह।